एक बार एक सर्कस का ट्रेनर एक बड़े से हाथी को पतली सी रस्सी के सहारे एक पोल से बांध रहा था। उस ट्रेनर ने इसी तरह अपने सभी यात्रियों को बांधा हुआ था। कुछ देर बाद वहाँ से एक व्यक्ति गुजरा और उसने ये सब देखा और वो उस ट्रेनर से बोला, तुम इन हाथियों को इस कमज़ोर से पोल के सहारे बांध रहे हो, ये हाथी तो इसे एक झटके में उखाड़ देंगे और भाग जाएंगे। उस व्यक्ति की बात सुन वो ट्रेनर बोला, जब ये हाथी छोटे थे तब भी हम इन्हें ऐसे ही बांधा करते थे। उस वक्त ये छोटे थे तो बहुत कोशिश करने के बाद भी ये खुद को इस लकड़ी के पोल से छोड़ा नहीं पाते थे और फिर धीरे धीरे इन्होंने ये मान लिया कि ये रस्सी इनसे ज़्यादा मजबूत है और इन्होंने आज़ाद होने की कोशिश करनी ही छोड़ दी। और अब ये छोटी सी रस्सी ही इनका कम्फर्ट जोन है जिनसे ये खुद को बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। ये छोटी सी शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी हमें ये बात सिखाती है कि अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो सबसे पहले अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हमारा कम्फर्ट जोन हमें साथ पास्ट में हुए वो इंसिडेंट होते हैं जिनकी वजह से हम आज भी किसी नई चीज़ को करने में डरते हैं। हम डरते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाए या कोई हमारा मजाक ना उड़ाए या फिर हमें चीज़ें हमारे बस की नहीं है। जिस तरह हाथी को अपनी ताकत का पता नहीं होता और वो उस रस्सी से खुद को निकल नहीं पाता, लेकिन हमारे अंदर ये पावर है कि हम अपनी कमजोरी और स्ट्रेंथ को जान सकते हैं और खुद को किसी भी कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं।